ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਾਰਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਥੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। इस सुनवाई दौरान आशाराम की तरफों नील कमल बोरा ते गुलकेश बोरा ने अपने पक्ष पेश किए। और मामले में सजा होने कारण आशाराम हुन बाहर नहीं आ सकेंगे। फिकर योग है कि आशाराम नु जमानत दिवाउन ले एडवोकेट रवि राय वेगे ने सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दायर की थी। उसने जोधपुर केंद्रीय जेल दी डिस्पेंसरी दा मेडिकल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट विच पेश किया जो फर्जी साबित होया। तो बाद साल 2017 विच सुप्रीम कोर्ट के हुक्मा ते एडवोकेट रवि राय वेज के खिलाफ रतन दाना थाने विच मामला दर्ज किया गया सी। इस विच आशाराम नु भी मुल्जम बनाया गया सी। रवि राय नु इस मामले विच पहला ही जमानत मिल चुकी है, पर आशाराम नु हुन इस मामले विच हाई कोर्ट तो जमानत मिल गई है। पर यह आशाराम लई कोई राहत नहीं, क्योंकि आशाराम कई मामले विच दोषी है, जिस कारण आशाराम नु जेल विच ही रहना पवेगा। आशाराम बापू दे नाम नाल प्रसिद्ध आशाराम दा काला सच ओदो सामने आया जदो साल 2008 विच आशाराम दे आश्रम विच रह रहे गुजरात दे दो नाबालक भरावां दीआं लाशां नदी विचो अध सड़ी हालत विच मिलिया सन। हालांकि आशाराम नूं इस मामले विच कोई सेक नहीं लग्या, पर आशाराम ट्रस्ट दे कुछ लोग इस मामले विच फस गए। साल 2013 विच यूपी दी इक लड़की दे रिश्तेदारां ने आशाराम उत्ते बलात्कार दा इल्जाम लगाया सी। जदों जांच विच बलात्कार दा मामला सही पाया गया तां आशाराम खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मामले दी सुनवाई जोधपुर दी अदालत विच शुरू हुई। एक केस जोधपुर दी विशेष अदालत विच कई सालां तक चलिया। इस दौरान साल 2016 विच सूरत विच रहन वालियां दो भैणां ने आशाराम अते उसदे बेटे नारायण साई ते जिंसी शोषण दा दोष लगाया सी। इस मामले विच गुजरात दी अदालत ने साल आशाराम नु उम्र कैद दी सजा सुनाई सी। इस दे नाल ही साल 2018 विच जोधपुर विच चल रहे रेप मामले विच अदालत ने आशाराम नु दोषी करार दिंदे हुए उम्र कैद दी सजा सुनाई सी। उदों तो ही आशाराम जोधपुर जेल विच बंद है। नवंबर 2014 विच जोधपुर विच उदय मंदिर पुलिस ने आशाराम समेत पांच लोकां खिलाफ जानो मारन दी धमकी देन दा मामला दर्ज किया। इस बारे फैसला होना बाकी है।